हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस व्हिच वन कैन परस्यू आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस, यानी कि एमबीबीएस करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन में हम जा सकते हैं। तो सबसे ऑब्वियस और सबसे ज़्यादा जो लोग चूज करते हैं वो होता है रेजिडेंसी, यानी कि पीजी एग्जाम दे के वो सीट ले लेते हैं सब्जेक्ट्स में जो उनको मिलती है और फिर उसमें अपना करियर परस्यू करते हैं। और यही मोस्ट ऑब्वियस और मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। सो स्पेशलिस्ट भी हो जाता है इसके बाद इंसान, तो इसलिए ये सबसे कॉमन ऑप्शन होता है। इसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है डीएनबी तरह का डिप्लोमा है, लेकिन इसी में यही प्रॉब्लम है कि इसके जो पास रेट है वो थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू पीजी सीट मिलने के बाद। यानी अगर आपने डीएनबी ले लिया है कम रैंक की वजह से, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो पासिंग रेट है वो थोड़ा कम होता है, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हो गई रेसिडेंसीज। सेकंड होते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या आता है, मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर जॉब्स में जैसे कि आप आर्मी में, सीआरपीएफ में और यूपीएससी के एग्जाम देके भी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें आपका मेन काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में काम करना, यानी कि आप हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, ऑफिशियल काम जो होगा, पेपर वर्क काम होगा, जो कितनी चीज़ें आ रही हैं हॉस्पिटल में, किस तरह से जो इन्वेंट्रीज हैं वो रेगुलेट हो रही हैं, उस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये होगा मेडिकल ऑफिसर। नंबर थर्ड है आपका इमरजेंसी मेडिसिन में आप काम कर सकते हैं एज अ नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में। इसमें आपका मेन काम जो होगा वो ट्रॉमा सेंटर, यानी कि आपको जो इमरजेंसी मेडिसिन होगा उसी में काम होगा। इसमें आप MEM, DEM या फिर FNIC और PGDCC करके भी ये डिप्लोमा कर सकते हैं, और इसका भी आजकल स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। नेक्स्ट होता है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री क्लिनिकल ट्रायल्स कराती है और उसके लिए उन्हें चाहिए होता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर। तो इस सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बूमिंग है आजकल के टाइम पे। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं तो उनको कोई ना कोई चाहिए होता है जो उन ट्रायल को कंडक्ट करा के, उन ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए। तो तब उनको MBBS डॉक्टर जो होते हैं वो उनको भी ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रीम। नेक्स्ट है सोनोलॉजी। तो सोनोलॉजी क्या है, सोनोलॉजी एक तरह से 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें क्या है कि अगर आपकी पीजी एग्जाम में रैंक कम आती है तो आपको ये कोर्स तब भी मिल सकता है कम रैंक पे भी, और उसके बाद ये 6 महीने का कोर्स है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना USG सेंटर खोल सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर खोल सकते हैं, और वहाँ पे किसी रेडियोलॉजिस्ट को रख के, यानी कि रेडियोलॉजिस्ट की अपनी अलग फीस होगी, और फिर आप USG सेंटर को चला सकते हैं। तो आप एक तरह से सोनोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रीम है। फिर जो लास्ट है वो है MHA। MHA क्या है, MHA 3 ईयर्स का कोर्स होता है। ये भी एक तरह का PG कोर्स है, और इसमें भी आप क्या जाते हैं मेडिकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। यही MHA की फुल फॉर्म होती है, यानी कि आप बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में काम करते हैं। सो गाइस, दीज वर दी मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आफ्टर परसुइंग दी MBBS, यानी कि MBBS करके आप इन ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आगे नॉर्मल जो लोग लेते हैं, यानी कि PG एग्जाम लेके सीधा स्पेशलिटी लेते हैं, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप इन ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी उठाता रहता हूँ। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।